कान्हा की ब्रजभूमि में नवरात्रि में एक बार फिर से माँ भगवती के दरबार सजने लगे हैं और जय घोष सुनाई दे रहे हैं। इसी बीच मथुरा के प्राचीन नरसिम्हणि देवी मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा को देखते हुए रेल और रोडवेज विभाग द्वारा 9 दिनों तक अस्थायी स्टॉपेज बनाए गए हैं। विक्रम संवत 2075 की रविवार से विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इस बीच कान्हा की ब्रजभूमि में माँ भगवती के मंदिरों में दरबार सजने लगे हैं और कान्हा के भक्त अब माँ भगवती के लंगूरा बनकर लगातार 9 दिनों तक देवी माता की साधना और आराधना करेंगे। इस बीच मथुरा के दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर साता के निकट बने प्राचीन और ऐतिहासिक माता नरसिम्हणि के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ पूरे 9 दिनों तक मथुरा जनपद के अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आदि स्थानों से माता नरसिम्हणि के भक्त आकर पूजा अर्चना करेंगे। मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेलवे और रोडवेज विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। उत्तर मध्य रेलवे के मथुरा जंक्शन के निदेशक एनपी सिंह ने बताया है कि नरसिम्हणि देवी मेला को देखते हुए रेल विभाग के द्वारा पूर्व की तरह यहां पर अस्थायी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, जहां पर दिल्ली और मथुरा के बीच चलने वाली शटल EMU पैसेंजर के अलावा मेल एक्सप्रेस गाड़ियां रुकेंगी। इस संबंध में जब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अक्षय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि नरसिम्हणि मेले को देखते हुए रोडवेज विभाग के द्वारा 9 जैनम बस और 10 रोडवेज बसों को लगाया गया है। इसके अलावा आगरा इटावा से दिल्ली की ओर आने जाने वाली सभी रोडवेज बसों को यहां पर अस्थायी स्टॉपेज दिए गए हैं। जो मेला है वो अच्छे से प्रारंभ हो गया है, सफाई व्यवस्था में स्थिति कल से संतोषजनक है, किंतु अभी हमें पूरा पुलिस बल प्राप्त नहीं हुआ है। कुल 41 दरोगा थे, उसमें से 5 आए हैं, कल सारे ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद पुलिस व्यवस्था भी। पार्किंग व्यवस्था लेके या कोई पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल सही है, इस बार पूरी तरह से दुरुस्त है और कहीं पर भी जो पार्किंग लगी हुई है उसको हटा करके जो उचित जगह पे उसी जगह पे पार्किंग को रखे जाने का। सांचोली देवी, नंदगांव आदि स्थानों पर भी महामाई का गुणगान होने लगा है। मथुरा से सत्य खबर के लिए लकी ठाकुर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।